हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? नाउडेज वी आर स्टडीइंग फ्लूइड डायनामिक्स। यू नो व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड मीन लिक्विड्स एंड गैसेस। आज हमारा चैप्टर है 6 एंड लेक्चर है 6.2। टॉपिक है फ्लूइड फ्लो एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मुख्तसर सा लेक्चर है आज। पहली बात कि ये फ्लूइड्स हैं, इनका जो फ्लो है ये आम तौर पे दो तरह का होता है। नंबर 1 स्ट्रीम लाइन फ्लो, नंबर 2 टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीम लाइन नाम से भी जाहिर है, रेगुलर फ्लो को कहते हैं, जैसे आम तौर पे पाइप्स के अंदर होता है या ब्लड हमारी वेन्स के अंदर नालियों के अंदर मूव कर रहा है, या किसी भी मशीन में जो पाइप्स हैं, गाड़ी का इंजन है, उसके अंदर ऑयल गैस मूव कर रहे होते हैं। ये आम तौर पे ऑलमोस्ट स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, रेगुलर फ्लो होता है, यानी लाइन्स ऑफ फ्लो जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। द रेगुलर फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो और लैमिनर फ्लो। स्टीडी फ्लो भी इसी को कहते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो भी इसी को कहते हैं, लैमिनर फ्लो भी इसी को कहते हैं। एक मुख्तसर सी बात कर दें, रेगुलर फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो। हेयर द लाइन्स ऑफ फ्लो पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, वो लाइन में मूव कर रहे होते हैं। वो लाइन अगर बेंड होती जाएंगी भी इसी तरह होगी कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो। ये आमतौर पे बारिश कहीं हो रही होती है, कहीं तूफान आता है नदी नालों के अंदर, कहीं कोई चीज पाइप फट जाता है, पानी बाहर जाता है, ऐसे फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ये आमतौर पे हमारी स्टडी का मौजू नहीं होता, आमतौर पे हमारे स्टडीज का मौजू स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। द इरेगुलर फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। इरेगुलर बेकायदा, यानी जो किसी कायदे के तहत नहीं है। ये लाइन ऑफ फ्लो रेगुलर नहीं है, एक दूसरे को क्रॉस भी कर रही है। अभी मैंने कहा है कि हम आमतौर पे जब फ्लूइड को स्टडी करते हैं तो वो रेगुलर फ्लो होता है। कंडीशंस ऑफ स्टडी ऑफ फ्लूइड्स, यानी किन कंडीशन के तहत हम फ्लूइड्स को स्टडी करते हैं, वो कंडीशन कौन सी है। During the study of fluids in motion, we suppose that the fluid is non-viscous. ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आम तौर पे जो हमारे डिस्कशन रहती हैं, वो एक ऐसी फ्लूइड्स के बारे में है जो नॉन विस्कस है। विस्कस के बारे में स्टडीज करते हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो नॉन विस्कस। क्या मतलब? उनकी विस्कासिटी हाई ना हो, नेगलिजिबल हो, जैसे पानी है, जैसे दूध है, जैसे मिट्टी का तेल है वगैरह। फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। क्या मकसद? उनकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, सारे फ्लो के दरमियान उसकी डेंसिटी चेंज ना हो रही हो। फ्लो इज स्टेडी। अभी हमने बात की है कि हम जो स्टडी करते हैं वो आमतौर पे रेगुलर फ्लो को करते हैं। इसमें एक बहुत अहम इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें एक फार्मूला भी हम डिराइव करते हैं जिसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। वो ये है, कोई भी आपके पास पाइप है, ये देखें, ये आपके पास एक पाइप है, ये इसमें फ्लूइड इन हो रही है, इसमें फ्लूइड आउट हो रही है। कोई पाइप का हमने एक टुकड़ा ले लिया है। अब ये जो जहां से इन हो रही है, ये जो एरिया है इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जरूरी नहीं है कि इन और आउट में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक जैसा हो, एक जैसा भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये फर्ज करें हमारे पास ये पाइप है, इस पाइप का ये जो फेस का एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इधर ये फेस का जो एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो लफ्ज है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी पाइप आपके सामने हो, वो किसी भी शेप में है, उसका फेस, उसका एंड
वो स्क्वायर शेप में है, वो रेक्टेंगुलर शेप में है, वो सर्कुलर शेप में है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप समझने की कोशिश करें। क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसमें जो फ्लूइड मूव कर रहा है इन में और आउट में या दरमियान में, उसकी स्पीड यहां कुछ हो सकती है, यहां कुछ हो सकती है, यहां कुछ हो सकती है। तो ये दो चीजें बड़ी अहम है, एक पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, दूसरा डिफरेंट पॉइंट पे स्पीड। इनका प्रोडक्ट हर जगह कांस्टेंट रहेगा। आप पॉइंट वन पे देखें, आप पॉइंट टू पे देखें, आप पॉइंट थ्री पे देखें, आप पॉइंट फोर पे देखें, जहां भी देखें। क्या मकसद है इसका? इसका मकसद है क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होता जाएगा तो स्पीड भी चेंज होती है। ये इसका पैगाम है, ये इसकी इंफॉर्मेशन है। और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड ऑफ फ्लूइड। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। पाइप अगर बिल्कुल एक जैसा है हर जगह तो ए और ए की वैल्यू हर जगह एक जैसी है, तो वी की वैल्यू भी हर जगह एक जैसी है। यहां एरिया ऑफ परफेक्शन ये है, यहां एरिया ऑफ परफेक्शन ये है, यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। प्लीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप समझने की कोशिश करें। डिफरेंट पाइप अपने पास रखें, डिफरेंट पाइप, और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम करने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की इंफॉर्मेशन क्या है? कि इन दो चीजों का, ए और बी का प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट। इससे क्या आपको पता चल रहा है? व्हेन वी से ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मकसद है अगर एरिया ऑफ परफेक्शन, कहीं पाइप वाइड हो जाता है, कहीं पाइप नैरो हो जाता है। जहां नैरो हो जाएगा एरिया कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। जहां वाइड हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, एरिया बड़ा हो गया तो स्पीड कम हो जाएगी। इन दोनों का प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, इट मीन दे विल रिमेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ए बढ़ेगा तो वी कम हो जाएगा, ए कम हो जाएगा तो वी बढ़ जाएगा। इसकी थोड़ी सी हम डेरिवेशन भी आपके सामने रखते हैं। असल बात इसका पैगाम है और ये इक्वेशन ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे सवाल आ जाए, नोट आ जाए चार नंबर का, अब सिर्फ लिख दें ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, सिर्फ इतना, आपका डेढ़ नंबर 1.5 नंबर तो सिक्योर होगी। आप अंदाजा करें, फिर आप इतना लिख दें ए क्या है, फिर आप इतना लिख दें वी क्या है, एक नंबर और मिल गया, ढाई नंबर तो आपको दो लाइनों में मिल जाएंगे। इसलिए लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है, उसको अप्लाई करना बड़ी बात है। इस इक्वेशन की बुनियाद किस चीज पे है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस बात का क्या मकसद है कि पाइप कहीं लीक ना हो। ये नहीं है कि यहां लीकेज हो रही है और आप कहेंगे ए वी इक्वल टू कांस्टेंट, कहीं इसमें कोई चीज रास्ते में शामिल ना हो रही, वो भी लीकेज होगी। तो लीकेज नहीं होगी, पाइप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर होगा। तो जितना मास इन हो रहा होगा उतना आउट हो रहा होगा, इसीलिए हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास जो इन हो रहा है वही आउट हो रहा है। ये एक इक्वेशन और ले ली गई है, यहां एक डायग्राम बना दी गई है कि ये पाइप है। वैसे तो ये बहुत बड़ा पाइप है, लेकिन हम छोटा सा टुकड़ा हम यहां ले रहे हैं। देखें यहां एरिया कुछ है, यहां एरिया बढ़ गया। इसमें डेल एम वन मास है विलास्टी वी वन के साथ, हमने एक टुकड़ा ले लिया है। ये किसका टुकड़ा ले लिया है? फ्लूइड का। इसकी लेंथ है डेल एक्स वन। फिर हम एक पॉइंट वन को डिस्कस कर रहे हैं, एक पॉइंट टू को। यहां पे एरिया बढ़ गया, विलास्टी जहर चेंज हो जाएगी वी टू, लेंथ भी डेल एक्स टू, मास डेल एम टू। हमने कहा है कि इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, अभी हमने कहा है कि इनकंप्रेसिबल होगी, डेंसिटी कांस्टेंट होगी, नॉन विस्कस होगा। कंसीडर एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, यानी इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, थ्रू ए पाइप ऑफ यूनिफॉर्म साइज। पाइप का जो भी साइज है, अब स्टडी के दौरान इसको चेंज नहीं करना,
इसमें जो मास इन हो रहा है डेल एम इज द मास दैट फ्लोज इनटू द पाइप फॉर ए टाइम डेल टी, डेल एम टू इज द मास दैट फ्लोज आउट फॉर ए टाइम डेल टी। हमारा जो टाइम ऑफ स्टडी है वो भी दो मिनट है चार मिनट है, वो डेल टी है, फिक्स है। अभी हमने कहा है कि इस इक्वेशन की बेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, यानी जितना मास इन हो रहा है उतना मास आउट हो रहा है, पाइप रास्ते में कहीं क्रैक नहीं है, लीकेज नहीं है, ना इसमें कमी आ रही है यहां से लेके यहां तक और ना इसमें कोई इजाफा हो रहा है। तो इट मीन डेल एम वन इज इक्वल टू डेल एम टू। अब देखें डेल एम वन की जगह हमने रो ए वन डेल एक्स वन लिख दिया, ये डेंसिटी की इक्वेशन होती है मास ओवर वॉल्यूम, ये वी से मुराद ये बड़ा लिखा हुआ है, ये क्या है वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम का टुकड़ा हम लेंगे तो मास किसके बराबर हो गया रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है एरिया इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम की जगह ये सिर्फ ए डेल एक्स ना याद करना प्लीज, वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम होता है। तो अब देखें हमने डेल एम की जगह रो ए डेल एक्स, डेल एम वन क्या हो जाएगा ए वन डेल एक्स वन, रो तो कांस्टेंट है, ये रो ए वन डेल एक्स वन, यहां क्या होगा ए टू डेल एक्स टू इंटू रो। अब ये लेंथ जो है ये भी आपको पता है एस इज इक्वल टू वी टी होता है, डेल एक्स क्या होगा वी वन, ये डेल एक्स वन की जगह वी वन डेल टी, डेल एक्स टू की जगह वी टू डेल टी। अब दोनों तरफ देखें सिमिलर चीजें क्या हैं, डेंसिटी और डेंसिटी सेम कैंसल, टाइम भी सेम कैंसल, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, क्या मकसद प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मीन ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यही हम डिराइव कर रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड रिमेन कॉन्स्टेंट। इस सारे चैप्टर में दो इक्वेशन है बड़ी, एक ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और एक बर्नौली इक्वेशन, दो इक्वेशन है, शॉर्ट सा चैप्टर है। तो आज हमारी डिस्कशन में जो बातें रही हैं वो मुख्तसर सी हैं, एक फ्लूइड फ्लो, फ्लो के टाइप्स क्या हैं, दूसरा कंडीशन ऑफ फ्लो में हम कौन सी दो तीन चीजें देखते हैं, और बड़ी अहम एंड वेरी इंपॉर्टेंट आप 10 मिनट तक ये विर्द करते रहे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज वी और व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस कांस्टेंट। मजे की बात, यूनिट ऑफ दिस कांस्टेंट क्या होगा, एरिया का यूनिट और स्पीड का यूनिट, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वेयर मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड, क्यूब मीटर पर सेकेंड, क्यूब मीटर वॉल्यूम का यूनिट है। दिस इक्वेशन गिव्स द फ्लो रेट वॉल्यूम इजेक्टेड पर सेकेंड, आपको ये इक्वेशन बता देगी कि हर सेकेंड में यहां से कितना फ्लूइड टोटल आउट हो रहा है या टोटल इन हो रहा है वॉल्यूम के हिसाब से। दिस इक्वेशन की इंफॉर्मेशन क्या है, फ्लो रेट, फ्लो रेट से क्या मुराद है, वॉल्यूम इजेक्टेड पर सेकेंड। उम्मीद है कि आपने इसको समझने की संजीदा कोशिश की होगी, आई होप, और आपको बात समझ भी आई होगी। थैंक यू वेरी मच।